उसका नतीजा जो प्रशासन के लोग भी आए और तीनों मोहल्ले यहाँ लेरियागंज के पूरा मोहल्ला पश्चिम मोहल्ला से टोली तीनों मोहल्ला यहाँ मौजूद है कि कितना शांति ढंग से हम लोग इस प्रोग्राम सद भी यही है कि खराज अकीदत हुसैन को अगर पेश करना है तो जास्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राहगीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भीड़ रहती है और बहुत सारा मेयर साहब भी बोले कि पानी वगैरह का भी इंतजाम, लाइट का इंतजाम प्रशासन के द्वारा, सीसीटीवी कैमरा जहाँ आवश्यकता है फोर्स देना, ये सारी चीज पर बहस होने के लिए फ्री हुआ था। हम लोग सोचा कि चौपाल पर ही बैठा जाए, इसीलिए आज लेरियागंज के पूरा मोहल्ला में पश्चिम मोहल्ला में हम लोग उनतीस जुलाई को मुहर्रम मनाया जाना है। इस मुहर्रम को शांतिपूर्ण मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है, इसलिए यह जरूरी है कि आप भी प्रशासन की मदद करें ताकि यह मुहर्रम शांतिपूर्ण मन जाए। पिछले दिनों टाउन थाना नगर थाना में भी शांति कमेटी की बैठक की गई थी, जहां नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्डों से वहां के वार्ड कमिश्नर और गणमान्य लोगों को बुलाकर डीएसपी, एसडीएम, नगर निगम के मेयर, उपमेयर समेत थाना इंचार्ज ने बहुत सारी बातों की जानकारी दी थी ताकि यह जो मुहर्रम है पूर्ण अमन तरीके से मना ली जाए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है लहरियागंज वार्ड नंबर 4 में, जहां आप देख सकते हैं नगर निगम के उपमेयर अमानुल्लाह खान, उसके अलावा वार्ड नंबर 4 के वार्ड कमिश्नर अरुण शाह और वार्ड नंबर 5 के वार्ड कमिश्नर मोहम्मद जैनुल अंसारी के अलावा टाउन थाना इंचार्ज राजा जी के अलावा आप देख सकते हैं कई पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। गांव के गणमान्य लोग हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं और नौजवान लोग भी हैं। यहां भी 29 तारीख को मुहर्रम मनाया जाना है। अभी हम बात करेंगे आखिरकार क्यों आज दोबारा यहाँ पे शांति समिति के लिए बैठक की गई है, ताकि यहाँ का जो 29 तारीख को मुहर्रम मनाया जाना है वो शांति तरीके से मनाया जाए। जानकारी मिली है कि पिछले दिनों इन लोगों की वहाँ पहुंच नहीं हो सकी थी, इन लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से नगर थाना के मीटिंग में ये लोग शामिल नहीं हुए थे। इसलिए दोबारा जो टाउन थाना अध्यक्ष है वो पहुंच करके उस वार्ड में तमाम लोगों को बता रहे हैं कि आपको शांतिपूर्ण मुहर्रम को मनाना है। देखिए क्या बताते हैं ये लोग। आइए हम बात करते हैं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान से। सर, ये बताया कि आप वार्ड नंबर 4 में फिर से मीटिंग कर रहे हैं, 29 तारीख को मुहर्रम मनाया जाना है, दोबारा मीटिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए हम लोग तो मीटिंग दारुल उलूम अनवर रजा बड़ा बाजार मस्जिद चौक पे किए थे, जिसमें इतराफ के सभी लोगों को बुलाए थे। लेकिन परसों जो कल हुई थी, कल ही मीटिंग हुई थी, कल शांति समिति की मीटिंग हुई है, जो इधर से लोगों की उपस्थिति नहीं हुई थी, इसके लिए हम लोग उसी वक्त कल ही तय किए थे। प्रभारी महोदय भी बोले थे कि ऐसा होगा तो लहरियागंज सप्ताह ऐसे जगहों पे हम जा भी सकते हैं, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन किए आपस में और उसका नतीजा जो प्रशासन के लोग भी आए और तीनों मोहल्ले यहाँ लहरियागंज के पूरा मोहल्ला पश्चिम मोहल्ला से टोली तीनों मोहल्ला यहाँ मौजूद है कि कितना शांति ढंग से हम लोग इस प्रोग्राम को मनाएं, चूँकि मुहर्रम का मकसद भी यही है कि खराज अकीदत हुसैन को अगर पेश करना है तो जास्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राहगीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भीड़ रहती है और बहुत सारा मेयर साहब भी बोले कि पानी वगैरह का भी इंतजाम, लाइट का इंतजाम प्रशासन के द्वारा, सीसीटीवी कैमरा जहां आवश्यकता है फोर्स देना, ये सारी चीज पर बहस होने के लिए फ्री हुआ था। हम लोग सोचा कि चौपाल पर ही बैठा जाए, इसीलिए आज लहरियागंज के पूरा मोहल्ला में पश्चिम मोहल्ला में हम लोग बैठे हुए हैं और दोनों वार्ड के वार्ड काउंसिलर को भी बुलाए हुए हैं, प्रभारी महोदय भी आए हुए हैं इस मीटिंग में, नगर थाना अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हाँ, राजा बाबू मौजूद हैं जो नगर थाना के अध्यक्ष हैं, उनके कांस्टेबल वगैरह भी सब लोग हैं और सबका एक ही मकसद है कि त्योहार को त्योहार के ढंग से मनाइए। और हम अपील भी करते हैं, अगर कौम के लोग हम लोगों को समझते हैं और मानते हैं तो अपने ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अपना कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई कमी होती है तो उसके लिए हम लोग तो मूवमेंट में रहते ही है। और उस दिन तय हुआ है हम लोग के मीटिंग में साफ साफ कि हम लोगों को 9 और 9:30 के बीच में ये बाबू साहेब चौक पे मिलान करना है, किसी का रास्ता अवरुद्ध नहीं करना है। मिलान करने के बाद धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग चलते हैं, जिसको खेलना है 15 मिनट 10 मिनट हम लोग मस्जिद चौक पर खेलने देंगे, फिर जिसको
भवारा जाना जाएगा, नहीं तो अपने घर लौटेगा, वो अपनी ताकत से अपने सामर्थ्य से जाए, उसके लिए पूरा जिम्मेदारी हम लोगों का नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि करबला के नाम पर आप वहाँ झंझट करने बेकार जाते हैं, आपको जहाँ लगे वहीं करबला कर लीजिए, वहीं पहलाम कर लीजिए, वहीं फाइनल कर लीजिए, इस तरह का अपील हमारा है। एक सवाल है हमारा, ऐसा होता है कि मुहर्रम के वक्त में करता कोई है भुगतता कोई है, जैसे देखा जाता है कि अभी दरभंगा में एक अलग अलग जगह के मामला सामने आ रहे हैं कि वहाँ कभी झंडा के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी लाश के नाम पर अभी मारपीट चल रही है, इस अवसर पर क्या करना चाहिए? सीधी बात है, हम दोनों कौम को मिलके काम करते आए हैं, मुहर्रम हो कि दुर्गा पूजा हो कि रामनवमी हो, हम लोग मिलजुल के मना, मधुबनी का स्थिति ऐसा है ही नहीं, इसमें कोई भी खुराफात करेगा वो बक्सा नहीं जाएगा, साफ बात, उसमें हम लोग किसी के सपोर्ट में नहीं है, चाहे वो हम लोग के समाज का आदमी हो या अदर समाज का आदमी हो, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है इस मामले। शुक्रिया आपका। ये अरुण जी, आप यहाँ के कमिश्नर है वार्ड के, वार्ड चार के, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? देखिए, ये पर्व जो है मुहर्रम का पर्व जो है वो खासकर यहाँ के समुदाय हिंदू मुस्लिम दोनों की तरह जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, और इसमें जहाँ तक हम लोग से संभव होगा, हमारे प्रशासन के द्वारा जो भी संभव होगा, जैसे कि अभी हमारे डिप्टी मेयर और थाना अध्यक्ष आप बोले हैं, यह पर्व में प्रशासन की भी सहयोग होगी और खासकर यहाँ के जनता सहयोग करे जो हम लोग को शांति ढंग से यह पर्व को मनाना है। बस ठीक है, धन्यवाद आपका। तो हम बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 5 के भी, हम वार्ड कमिश्नर हैं मोहम्मद जैनुल अंसारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सब? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी डिप्टी मेयर साहब मिला भाई जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, और उस बात पर हम भी सहमत हैं, ऐसा होना चाहिए, और सर भी बोले हैं सही बात बोले हैं, और हम लोग को सबको एक मिल कर करें, मुहर्रम शांति पर मनाएंगे, और जो गार्जियन है गार्जियन को मुस्तैद रह कर करके बाल बच्चे को अपना देखना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।